my channel. Hope you all are safe and doing great. So in today's video, I'm gonna create this beautiful makeup look using all Insight makeup products. So yeah guys, it's going to be a one brand makeup video. बहुत ही affordable price में and बहुत ही कम makeup products को use करके मैंने ये look create की है and सच में मैं बहुत ही ज्यादा satisfied हूँ ये makeup look को create करके. Recently I've received a beautiful makeup kit from the brand Insight and इसके अंदर बहुत सारी makeup products है जैसे कि foundation है, makeup fixer है, primer है, contour stick है, concealer palette है, eyeliner है, lipstick है. So thank you so much Insight for sending this. इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे makeup products के साथ एक one brand makeup look create किया जाए. सारे products बहुत ही affordable price के हैं, so beginners के लिए and teenagers के लिए बहुत ही helpful होने वाले हैं ये video. So yeah guys, if you are interested to know how I achieved this beautiful makeup look, then please video को end तक जरूर देखना and personalize this video को like कर सकते हो, share कर सकते हो अपने friends and family सब के साथ and don't forget to subscribe to my channel. अगर आप मेरे channel में नए हो, subscribe ना किए हो, then please जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. उसके पास एक बेल आइकन है, उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू न्यू वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो यहां गाइस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट आई एम यूजिंग इनसाइड 3-in-1 प्राइमर एंड आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट अमाउंट एंड दैट्स एनफ. एंड मैं इसे टी जोन पे फोकस करके अप्लाई करूंगी क्योंकि टी जोन में हमें ज्यादातर यू नो स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑयली हो जाते हैं बहुत ही जल्द, स्पेशली तो समर सीजन में. तो इसीलिए मैं टी जोन में फोकस करके सप्लाई कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी 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 गुड प्राइमर गाइस. बहुत टाइम तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट करती है एंड आफ्टर अप्लाइंग इट गिव्स अ ब्यूटीफुल सैटिन फिनिश. इसकी वजह से ना आपके मेकअप बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, स्पेशली तो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं. आई पर्सनली लव दिस प्राइमर क्योंकि इससे भी पहले मैंने इनसाइड की प्राइमर यूज की है. शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको एंड लॉन्ग वीडियो में मैंने एक दो बार यूज की थी क्योंकि ज्यादातर आपको मालूम है कि मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ. सो लॉन्ग वीडियो में दिखाने की चांसेस नहीं मिली मुझे. सो या मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है क्योंकि ये सच में आपके फेस को इतनी स्मूथ बना देती है कि आप इजीली एफर्टलेसली मेकअप को ब्लेंड कर सकते हो उसके ऊपर एंड बहुत टाइम तक आपके मेकअप भी लॉन्ग लास्ट रहती है. नेक्स्ट आई एम गोना यूज इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट. बेसिकली आप इसे 3-in-1 पैलेट ही कह सकते हो क्योंकि इससे आप कंसील कर सकते हो, कलर करेक्ट कर सकते हो एंड कॉन्टोर भी कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही क्यूट है ये पैलेट देखने में. सो आज मैं ये येलो करेक्टर यूज करने वाली हूँ एज कंसीलर. आप इसे एज कंसीलर भी यूज कर सकते हो. इसे मैं अंडर आई में अप्लाई करूंगी, माउथ के चारों तरफ अप्लाई करूंगी. बेसिकली जहां जहां मुझे कंसील करनी है, मतलब थोड़ी बहुत जहां जहां मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवननेस है, वहां वहां मैं इसे अप्लाई करूंगी एंड अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी. मैंने इसे अच्छी तरीके से पूरे फेस में, मतलब जहां जहां मुझे अप्लाई करनी थी वहां मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर ली एंड आई नो कि मैं बहुत ही फनी दिख रही हूँ बट एनीवेज अभी इसे ब्लेंड कर लेते हैं. मैं इस ब्रश के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी. फेस को मैंने अच्छी तरीके से कंसील कर ली एंड आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विद द प्रोडक्ट गाइस क्योंकि इसने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी फेस को कंसील की है. जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत अंडर आई में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी, माउथ के चारों तरफ थोड़ी बहुत अनइवननेस की प्रॉब्लम थी तो एंड इस प्रोडक्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ हाइड की है एंड आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड विद द प्रोडक्ट. नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई देयर अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 02 रोज बीज. इट इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन गाइस एंड इट हैज एसपीएफ 15 व्हिच इज रियली गुड फॉर समर सीजन. इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ गाइस. इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट है, आप देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है एंड फेस में इजिली ब्लेंड हो जाते हैं. मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो पहले मैं इसे थोड़ी सी वार्म अप कर लूंगी, देन जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ देन मैं ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ एंड अभी मैं थोड़ी सी इसे इस तरीके से फिंगर टिप के हल्के से स्प्रेड कर रही हूँ पूरे फेस में लाइक दिस. फिर मैं एक फाउंडेशन ब्रश के हल्के से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी इस तरीके से. एंड ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है अफोर्डेबल प्राइस में. ये एकदम स्किन लाइट फिनिश देती है, फेस में बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट फिट है एंड आप देख सकते हो
क्विकली ब्लेंड हो जा रही है ये। एंड अभी आप मेरे फेस से नेक को मैच कीजिए, एकदम स्किन से अलग नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रही कि मैंने थोप के फाउंडेशन अप्लाई की हो, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रही है, एकदम स्किन लाइक फिनिश है, जैसे कि इसने इस ब्रांड ने क्लेम की है कि स्किन लाइक फिनिश होगी एंड एग्जैक्टली मुझे वैसी ही लग रही है। बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है गाइज एंड काफी अच्छे तरीके से सब कुछ कवर की है, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड सी सो या गाइज, फ्लॉलेसली फाउंडेशन ब्लेंड हो गई एंड अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट आई एम गोना यूज द सेम पैलेट एंड आई एम गोना टेक दिस शेड टू कंटूर माय फेस। जैसे मैं एक ब्रश के हेल्प से ले रही हूँ, पहले आप ज्यादा मत लेना, थोड़ी थोड़ी करके आप लेना एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड जैसे कि ये क्रीमी फॉर्म में है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है, सो इस तरीके से मैं जहाँ जहाँ मुझे फेस में कॉन्टोर करनी है वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम गोना ब्लेंड देम विद अ ब्रश। बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है यार, काफी अच्छे तरीके से कॉन्टोर हुई है। अच्छा, इस पैलेट से तो मैंने कॉन्टोर की है, मतलब ये भी कंसील करेक्ट एंड कॉन्टोर पैलेट है, पर और एक प्रोडक्ट मेरे पास है। सो दिस वन इज इनसाइट ड्यूओ 2-in-1 स्टिक। सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट गाइस। इस साइड में आप जो देख रहे हो ये है कॉन्टोर एंड इस साइड में आप जो देख रहे हो ये है हाईलाइटर। तो आप फेस को अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर सकते हो, मैं आपको एक बार डेमो दिखाती हूँ। सो इसका भी टेक्स्चर बहुत ही मतलब ऐसा है कि बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अप्लाई की है एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ, रीअप्लाई कर रही हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी मैं इस ब्रश के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रही है, देख सकते हो गाइस। जब भी आप कॉन्टूर कर रहे हो ऑलवेज हेयरलाइन की तरफ लेके जाओ, नहीं तो बहुत ही अनइवन दिखेगी। सो या, कॉन्टूर ब्लेंडिंग डन। देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी इफेक्ट दे रही है, एकदम हल्का सा एक शेडो आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम नेचुरल लग रही है, बिल्कुल भी हार्श इफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो कॉन्टूर के बाद अभी हम अप्लाई करेंगे ब्लश एंड आज मैं ब्लश अप्लाई करूंगी एक लिपस्टिक से। सो दिस वन इज इनसाइट नॉन ट्रांसफर लिप कलर एंड आई एम इन द शेड 25 मॉल्टन पिंक। तो पहले मैं इसे एक साइड में अप्लाई करके ब्लेंड करूंगी, देन दूसरे साइड में अप्लाई करूंगी। तो इस तरीके से मैं 3 डॉट अप्लाई कर रही हूँ, बस इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है एंड अभी क्विकली इसे ब्लेंड करनी है। एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ एंड ये क्विकली ब्लेंड भी हो गई है। वाओ, मैंने थोड़ी सी और अप्लाई की है ताकि थोड़ी सी और फ्लश्ड चिक मुझे मिले एंड देन ब्लेंड ब्लेंड। सेम तरीके से मैं इस साइड में अप्लाई करूंगी एंड थोड़ी बहुत नोज के ऊपर एंड चिन में भी अप्लाई करूंगी। लेफ्ट ओवर जो है मेरे ब्रश में उसी से मैं नोज के ऊपर एंड चिन में अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं सेम दो स्टिक से ये वाला हाइलाइटर अप्लाई करूंगी फेस को हाईलाइट करने के लिए। बेसिकली जहां जहां मुझे हाईलाइट करनी है वैसे के नोज के ऊपर, चिन में, दोनों साइड में सेम तरीके से हाइलाइटर जैसा नहीं है, बहुत ही यू नो एकदम भी हार्श नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही रियल लगती है, ऐसी लगती है कि यू नो नेचुरल ग्लो है। हाइलाइटर मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अगर आपको कुछ भी मेकअप ज्यादा लग रही हो तो एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप ऑलवेज इस तरीके से डैब डैब कर लेना ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो इस ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से रिमूव हो जाएगी एंड एकदम सेट हो जाएगी मेकअप। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी बेस जो है एकदम फ्लॉलेस, हेल्दी एंड नेचुरल दिख रही है एंड अभी इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइट का मेकअप फिक्सर एंड ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर है गाइस। सो ये आपके मेकअप को बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट बना के रखेगी एंड इसे मैं पूरे फेस में अच्छी तरीके से अप्लाई करूंगी।
बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है ये फिक्सर एंड इसके साथ साथ ये नॉन स्टिक भी है विच इज रियली गुड. अभी हम करेंगे आई मेकअप बहुत ज्यादा सिंपल एंड बेसिक होगी येट ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे मैं सेम लिप शेड यूज कर रही हूँ एक आई के ऊपर एक बेस क्रिएट करने के लिए. पहले मैं क्या करूंगी, हाथ के पीछे लिप शेड को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ इस तरीके से एंड देन से ड्राई होने से पहले मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस तरीके से लिपस्टिक को ले ली एंड इसे अच्छे तरीके से आईलिड के ऊपर ब्लेंड करूंगी लाइक दिस. देख सकते हो गाइस कितनी ब्यूटीफुली बेस क्रिएट हो गई है. मैंने इसे डायरेक्टली लिपस्टिक को अप्लाई नहीं की क्योंकि पैचेस होने के चांसेस थी, तो इसीलिए मैंने लिपस्टिक को अलग से इस तरीके से अप्लाई की है एंड अभी मैं सेम तरीके से इस आई को भी कम्प्लीट कर लूंगी. फिर से मैं इसे लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ. Next I'm using Insight Liner Express and this is 12-hour long wear and smudge free eyeliner. So मैं इससे एक thick wing liner create करूंगी. So guys मैंने eyeliner apply कर ली and उसके बाद मैंने faucets पे apply की है. See guys, my eyes are looking damn pretty. सबसे अच्छी बात है guys कि ये eyeliner एकदम blackest black है and जिसकी वजह से मेरी eyes बहुत ही ज्यादा enhance हो रही है. एकदम jet black and smudge free eyeliner है. So guys अभी बाकी है सिर्फ lipstick apply करना. अभी मैं same lipstick को apply करूंगी lips में. Finally मैं lips में apply कर रही हूँ इसे. लिपशीट इज रियली प्रिटी गाइज एंड उसके साथ साथ इसका फॉर्मूला भी काफी अच्छा है. बहुत ही लाइट वेट है, ऐसी नहीं लग रही कि मैंने कुछ यू नो हेवी कुछ अप्लाई की है लिप्स में. नॉन ट्रांसफर लिप कलर है तो मास्क में लगने की चांसेस भी नहीं है. सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज. कैसे लगे आप लोगों को ये इनसाइट वन ब्रांड मेकअप लुक? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी. सो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ. टिल द टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.